एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और योग माया गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्री हरि और योग माया शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यम देव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ के उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई, इतनी छोटी चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसने अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजार कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गया। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोसों दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएंगी। मैं सोच रहा था वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुँच जाएंगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होंगी। गरुड़ समझ गए, मृत्यु टाले नहीं टलती चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। राधे राधे।